प्रेरणा कथा। कोई गलती ही नहीं मिली। एक युवक और एक युवती कई वर्षों से एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक दिन उन दोनों की शादी भी हो गई। बहुत भव्य समारोह हुआ। उनके सभी रिश्तेदार और दोस्त उस शादी के समारोह में सम्मिलित हुए थे। सभी लोगों ने उस शादी को एक उत्सव की तरह मनाया। दुल्हन अपने सफेद शादी के गाउन में बहुत ही सुंदर लग रही थी और नीले सूट में दूल्हा भी कुछ कम नहीं लग रहा था। उनके देखने वाले सभी लोग जानते थे कि उन दोनों के बीच कितना सच्चा प्रेम था। उनकी शादी के कुछ महीनों के बाद एक दिन दुल्हन ने दूल्हे से कहा, मैंने कुछ समय पहले एक पत्रिका में पढ़ा कि कैसे हम अपने विवाह को और भी सुदृढ़ बना सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे की उन बातों की सूची बनाएंगे जो हमको अच्छी नहीं लगती हैं, फिर हम उन समस्याओं को सुलझाने के लिए बैठकर विचार करेंगे। हम दोनों अपने जीवन को और भी खुशहाल बनाएंगे। पति ने मुस्कुराकर सहमति दे दी। दोनों अलग अलग कमरों में चले गए और हम उन सब चीजों के बारे में सोचने लगे जो दूसरे में बुरी लगती थी। वो पूरा दिन इसके बारे में सोचते रहे और उसको कागज पर उतारते रहे। अगली सुबह नाश्ते के मेज पर दोनों ने अपनी अपनी सूची एक दूसरे को दिखाने को कहा। पत्नी ने कहा, पहले मैं शुरू करती हूँ। पत्नी ने अपनी सूची निकाल ली और पति को दिखाया कि उसकी सूची 3 पेज की थी। उसका पति अपनी पत्नी के द्वारा दी गई उस सूची को पढ़ने लगा जिसमें पति की कमियाँ बताई गई थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। पत्नी ने उसके आंसू देखकर कहा, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? पति ने पत्नी की 3 पन्नों की सूची मेज पर रख दी। फिर पत्नी ने अपने पति से कहा, अब आप बताइए कि आपने मेरी क्या क्या कमियां निकाली हैं, आप भी वो सूची मुझको पढ़कर सुना दीजिए। पति ने बहुत ही शांति से कहा, मेरी जान, मेरे पास तो कोई सूची ही नहीं है। तुम तो एकदम परफेक्ट हो और मैंने तुम में कोई भी कमी नहीं देखी। तुम जैसी हो मेरी जान हो और मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मैंने बहुत सोचा पर मैं तुम्हारी कोई भी कमी इस कागज़ पर नहीं लिख सका। मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहता। तुम सुंदर हो, बुद्धिमान हो, सब कुछ समझती हो, अच्छा खाना पकाती हो, काम पर जाती हो, घर का ख्याल रखती हो, मेरा ख्याल रखती हो, मेरे साथ खुश रहती हो और मुझको खुश रखती हो, फिर मैं कैसे कोई गलती निकाल सकता हूँ। अपने पति की ईमानदारी देखकर पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर उसको खुद से बहुत ही शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी कि उसने अपने पति की गलतियां या कमियां 3 पन्नों में लिख दी थी। इससे पहले कि वो अपने पति से क्षमा मांगती, पति ने उसके मन के भावों को पढ़ लिया और आगे बढ़कर उसको सीने से लगा लिया। मित्रों, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आते हैं जब हम निराश हो जाते हैं और जरा जरा सी बात पर खिन्न होने लगते हैं। इस सब के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। जरा सोचिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको निराश करती हैं और आपको क्रोधित करती हैं। ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, प्रकाश और वचन से भरी हुई। क्यों हम अपना समय गलतियाँ और बुराइयाँ खोजने में बिता देते हैं? औरों की बुराइयाँ मत खोजा कीजिए, उनकी अच्छाइयों की प्रशंसा करना सीखिए और देखिए कि दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी। मेरा विश्वास है कि हम सबसे अधिक खुश उस समय होते हैं जब हम अच्छाइयों को देखते हैं और प्रशंसा करते हैं और बुराइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन हम अगर चाहें तो उनमें पूर्णता खोज सकते हैं और जीवन को बदल सकते हैं। याद रखिएगा कि आपको कभी भी बिल्कुल पूर्ण जीवन साथी नहीं मिलेगा। अपने जीवन साथी की अच्छी बातों की प्रशंसा कर करके आप उसको ही पूर्ण बना सकते हैं और खुश रख सकते हैं। आपके जीवन संगनी या जीवन साथी जैसे भी हों, उनकी कमियां मत खोजिए, प्रशंसा करना सीखिए और जीवन को अपनी आंखों के सामने ही खुशहाल और पूर्ण होते हुए देखिए। बस प्रयास तो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।